तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आरएस टॉक चैनल पर। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वह हमारी सोनू पलक सिद्धवानी के बारे में होने वाली है। क्या आपको पता है कि दोस्तों जो हमारी पलक सिद्धवानी है वह अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है, और जब उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी तो उनके पापा ने क्या कहा था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों पलक सिद्धवानी ई टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए बताती है कि मुझे याद है जब मैंने एड शूट करना स्टार्ट कर दिया था तब मैंने अपने पापा को नहीं बताया था। पापा के दोस्त ने मुझे एक टीवी एड में देखा और उन्होंने पापा को बता दिया। उसके बाद जब मेरे पापा ने मेरी मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी ने किसी तरह से उन्हें कन्विंस कर लिया। मेरी मम्मी ने पापा को इसीलिए कन्विंस कर लिया क्योंकि मेरी मम्मी ने पापा से कहा कि पलक सिद्धवानी ये जो भी कर रही है सिर्फ पॉकेट मनी के लिए कर रही है, थोड़े से पैसों के लिए कर रही है। उसके बाद दोस्तों पलक सिद्धवानी कहती है कि उनके पापा मान गए थे जब उनके पापा देख रहे थे कि जो पलक सिद्धवानी है वह अपने स्टडीज में और अपने काम में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पा रही है। वहीं पलक सिद्धवानी कहती है कि वह पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। दोस्तों इसके आगे वह ये बताती है कि उनके फादर को कुछ भी क्लू नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का कॉन्ट्रैक्ट आया, उनको साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वह टीवी पर ही डायरेक्ट आ जाएगी। एक तरह से एक्ट्रेस जैसा उनको लिया गया है तो उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। इसके बाद दोस्तों पलक सिद्धवानी के पापा ने जब तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में अपनी बेटी को देखा वह बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लग गए और उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड शो है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारी पलक सिद्धवानी है वो ये भी कहती है कि जो मेरे पापा है वह मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं। जब मैं पहली बार टीवी में नजर आई थी तो मेरे पापा ने बोला था कि तुम सही दिख रही हो लेकिन तुम्हारा मेकअप बिल्कुल ही गंदा है। उसके बाद दोस्तों पलक सिद्धवानी कहती है कि मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उन्हें हैप्पी फील करवाना चाहती हूँ। दोस्तों पलक सिद्धवानी का ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने देखा कि पलक सिद्धवानी ने कितनी मेहनत से अपना करियर बनाया है, अपने पापा को इस तरह से कहा, उन्होंने अपने पापा को कन्विंस करना पड़ा, उसके बाद जाके वे इतनी ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस बनी है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है पलक सिद्धवानी के इस वीडियो में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।